अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। आज का शो रिव्यू शो नहीं है, आज का शो हमारी कंटिन्यूएशन है उस शो की जिसको हमने 2-3 हफ्ते पहले किया था और जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि पहले नीना और टीम सनिया और हमने अवार्ड्स की प्रोडिक्शन की थी। और अब क्योंकि हम अवार्ड्स की विनर्स अनाउंस हो चुके हैं और जैसे हमने आपसे वादा किया था, तो हम अपने इस एपिसोड में देखेंगे कि कौन सही था कौन गलत था, कौन जीता कौन हारा, टीम अनिला जीती या टीम सनिया जीती। ठीक है सनिया, रेडी हो? ऑल ठीक है, ऑल सेट। हाँ जी, हाँ जी, सेट। चलो जनाब, हमने सोचा था बेस्ट एक्ट्रेस फॉर 2022, तो हम दोनों मुबारक हो, हम दोनों का जवाब सही आया है, यमुना जैदी फॉर बख्तावर। ये ये तो यहाँ पे तालियां हैं। वैसे आई थिंक इट वाज राइट, सही मल्टीपल सही सही डिसीशन था। कैरेक्टर्स किए थे यमुना ने, वो तालियां भी आती हैं वहां। यमुना हाँ ने मल्टीपल कैरेक्टर्स और सारों को जस्टिफाई किया था, तो इट वाज सही, अच्छा ठीक है नीडेड वन। ठीक है। अच्छा जनाब, बेस्ट एक्टर फॉर 2022 मेरा था, बल्कि हम दोनों का था, बिलाल अब्बास खान। बिलाली था दोराहा एंड बिलाल इज द बिलाल, विनर। ये बिलाल आया था, मैंने बिलाल को अवार्ड रिसीव करते नहीं देखा, नहीं, बिलाल आया ही नहीं, ना। बिलाल इज टू बिग फॉर दीज अवार्ड शोज। अच्छा खैर, फिर अब हम आते हैं बेस्ट ड्रामा 2022। मैंने कहा था संगे माँ, तुमने क्या कहा था? संगे मैंने भी संगे मैम, माँ, हम दोनों सही थे। ये यस सनिया, हमारे सही चल रहे यार। हमारे सही चल रहे हैं। हमको तो घोल के पिए हुए हैं, वैसा भी नहीं, हाँ अच्छा हम जी, क्यों तब ना कुछ तो हम अपनी देखते टीवी को रहते हैं। समझ रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा अब ऑन स्क्रीन कप, यहाँ पे तुम्हारा मेरा कॉन्फ्लिक्ट था यम और बहुत खुशी जी से मुझे कहना पड़ता है कि आई वॉज राइट। कितनी जी आप खुश हो जीते रही हैं। यहाँ पे मेरा विनर वाज नुस्रा एंड अहद रजा मीर और रमशा खान जो आवाज, है। देखो आप इतनी जेन्युइन थे ना उनकी केमिस्ट्री, तो अब हम क्या कर सकते हैं। रियल लाइफ केमिस्ट्री जहां मिक्स हो जाती है वहां पे हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, साउंड ट्रैक में मैंने कहा था संगीमा, आपने कहा था यूं ही समी खान, यूं ही कहा था तुमने, ये नहीं करता। यूं ही कहा था। अच्छा तो कौन ठीक हुआ? आप ये टी बनीला, एक और पॉइंट। तो आप 2 पॉइंट नो हार रही हैं सनिया। मनी, ओ नो, चलें। अब हम ओह चलते हैं जनाब, बेस्ट एक्टर 2023, बेस्ट एक्ट्रेस 2023। तो आपने कहा था सहर खान फॉर शहर फेरी, खान फेरी टेल, और मैंने कहा था मावरा हुकैन फॉर मीम। ये भी आप जीती। बस बस आपका तजुर्बा माशा, अच्छा जी। हाँ बाहर की नजर, है, आपकी नजर दूर अंदेश माशाल्लाह। हाँ तो उम्र भी तो है ना। अच्छा बेस्ट एक्टर 2023, यहाँ हम दोनों मार खा गए। मेरा ख्याल मेरा था कि फरहान सईद को मिलेगा, आपका भी ख्याल था, खुशहाल खान, आपका था खुशहाल खान, तो आप सही गई। इसका मतलब मैं आपको एक पॉइंट दे देती हूँ इसके अंदर। चले, नहीं, मिला तो हमजा को है। अच्छा हमजा और खुशहाल दोनों को मिला है। दोनों को मिल गया। अच्छा मैंने हम खुशहाल नहीं देखा। ओह नाइस, ठीक है हमजा और ठीक खुशहाल दोनों को मिला है, तो दोनों 2023 का इन्होंने वो किया है, विनर्स हमजा और खुशहाल दोनों हैं। तो आप 1 पॉइंट, आप जीत गई। तो आप ये। स्टिल यू आर 2 पॉइंट लीड, देखते हैं कैचअप कोई होता है कि नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर है बेस्ट ड्रामा सीरियल। तो हमारा ख्याल तो जोक सरकार था, अब मेरा ख्याल है फेरी टेल 2 को मिला है, आई एम नॉट श्योर, या मोहब्बत गुमशुदा मेरी को मिला है, ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक न्यूट्रल है है, मतलब मैं वैसे भी जीत रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जाते हैं लास्ट कैटेगरी पे जो कि ऑन स्क्रीन कपल 2023। ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री उसमें
कौन जीता? जीते, हमजा हमजा से जीते सही एंड सही सहर बोल जीते थे, और हमारा ख्याल था, मेरे ख्याल में कि खुशहाल खान और रहे हो, जीतेंगे। खुशहाल खान बट दे हैड अ क्यूट मोमेंट ऑन रेड कार्पेट, दनानी गिर रही थी और खुशहाल ने आके उन्हें पकड़ा। होए भाई क्या, तो रेड कारपेट पे इन्होंने छोटी छोटी चीजें फेंकी हुई थी इधर उधर इधर उधर। ये तो फिर एक पूरा का पूरा एक नया शो है भाई, उनके ड्रेसेस और उनके जो है वो बिहाइंड द सीन सारे बड़े मजे मजे की वहां पे नजर आ रहे थे, फेंक रहे थे ये लोग वीडियोस। और परफॉर्मेंसेस भी आए थे, मुझे हाँ हानिया आमिर की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई, जो जो थोड़ा बहुत मैंने देखा था। मायरा खान मुझे नहीं पता क्या कर रही थी वहां पे, वो तो बहुत मुझे क्रिंजी लग रहा था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत क्रिंजी लग रही थी। और फरहान सईद और उसकी जो कुबरा खान की परफॉर्मेंस थी ना, उसमें भी मुझे मजा नहीं आया, बिकॉज वो फरहान सईद तो मुझे लग रहा था क्या कर रहा है पता नहीं, वो तो कुछ उसके स्टेप्स ही पूरे नहीं हो रहे थे, वो तो बीच बीच में छोड़ छोड़ के खड़ा हो रहा था, तो आई वॉजंट श्योर कि उनकी प्रैक्टिस लैक करती है, क्योंकि ना हाँ वो एक्स्ट्रा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जो हमारे लीड होते हैं ना, आप स्टेज पे बार बार बैक नहीं दिखाते, बार बार आप स्टेप बीच में नहीं पॉज करते, आप बस फ्लो में जाते, वो थोड़ा सा इनका चल रहा होता है स्टेज। हाँ लेकिन बहरहाल ड्रामा देखना है, जब आएगा तो फिर हम देखेंगे उस पे, मैं मजे अवार्ड देखेंगे। इसके ऊपर फिर एक शो आजकल की। मैं अहमद अली भट्ट की बड़ी एक्सट्रीम फैन हूँ, उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे वो बहुत इंटरव्यूज करते हैं, तो मैं वो बहुत अच्छा रेगुलरली सुन रही हूँ उनके सारे, और अच्छा बड़े अच्छा मजे से जो हाँ अहमद अली भट्ट हाँ हाँ उनका है अहमद ना अली एक भट्ट, हाँ हाँ एक्सट्रीम। हाँ उनका तो शो चल रहा है ना, बिल्कुल हाँ अच्छा हाँ तो डिसेंट। वो उन्होंने होस्ट भी किया है ना ये वाला शो। हाँ 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 बिल्कुल हमेशा करते हैं, आई थिंक पिछले दफा जब यहाँ टोरंटो में आए थे तब भी वही होस्ट कर रहे थे, इज अ वेरी गुड होस्ट, और बिल्कुल आपको स्पिरिट्स में रखते हैं, आपको बिल्कुल एंगेज रखते हैं, हंसाते हुए रखते हैं। एनर्जी में, और वो स्पॉन्टेनियस हैं, वो हर तरह से अच्छे हैं, तो इसलिए हम अवार्ड जो है ना, मैं बाकी चीजों के लिए ना भी देखूं, अहमद अली भट्ट के लिए तो मैंने सही बात है, देखना सही है। बात है। तो जब ये इसलिए ड्रामा आएगा, ड्रामा कह रही हूँ, जब ये शो आएगा तो फिर हम इनके लुक्स के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर हम तब बात कर लेंगे। ओह यस, दोबारा करेंगे। चलो ठीक है, सबके लिए एक लिस्ट पढ़ देती हूँ विनर्स की, जो हम टीवी अवार्ड्स 9th हम अवार्ड्स में किन किन लोगों ने अवार्ड जीता, तो इन सबके नाम एक दफा आपके सामने। अच्छा सबसे पहले तो जी बेस्ट परफॉर्मिंग सोप, हमें ड्रामा सीरियल के लिए समझ में नहीं आ रहा था, बट आई थिंक ड्रामा सीरियल जो है वो इन्होंने इस दफा बेस्ट परफॉर्मिंग सोप कर दिया है 2022 एंड 2023, एंड ये अवार्ड इट गोज टू फेरी टेल एक्चुअली। अच्छा जी उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग लॉन्ग रनिंग सीरियल जो है वो मिला है फरेब को, और इसके लिए जो है वो मुमल शुनैद जो है वो आई थी अवार्ड लेने के लिए। अच्छा बेस्ट टीवी डेब्यू फीमेल 2022 एंड 2023 इट गोज टू मामिया शफा जाफर, मामिया शाह जाफर, ओके ठीक है। अच्छा जी और बेस्ट ओएसटी मिला है साहिर अली बग्गा को फॉर संगेमा, जैसे हमने आपको बताया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल समिया मुमताज फॉर संगेमा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल आसिफ रजा मीर फॉर झोंक सरकार। मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर सानिया सईद फॉर संगेमा। अच्छा जी बेस्ट डायरेक्टर 2022 सैफी हसन फॉर संगेमा। अच्छा जी बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल मिला है सैयद जिब्रान को फॉर द ड्रामा नीम। और बेस्ट डायरेक्टर 2023 मिला है शाहिद शफात को फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी। बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल मिला है 2022 का अहद रजा मीर एंड रमशा खान फॉर हम तुम। बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल 2023 मिला है हमजा सुहेल और सहर खान को फॉर फेरी टेल 2। बेस्ट एक्टर फीमेल 2022 गोज टू यमुना जैदी फॉर बख्तावर। बेस्ट एक्टर फीमेल 2023 गोज टू मावरा हुगैन फॉर नीम। बेस्ट एक्टर मेल 2023 हमजा सुहेल फॉर फेरी टेल 2 एंड खुशहाल खान फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी। एंड बेस्ट एक्टर 2020 टू गोज टू बिलाल अब्बास खान। तो जनाब ये है लिस्ट। अच्छा इसके अलावा आई थिंक बेस्ट राइटर का जो अवार्ड है वो मुस्तफ़ा आफरीदी साहब को मिला था, और उस संगे माँ के लिए
हमारी तरफ से सारे विनर्स को बहुत बहुत मुबारक हो और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और जो के नॉमिनीज थे और जिनको अवार्ड्स नहीं मिले उनको भी सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बिकॉज नॉमिनेशन होना भी इन इटसेल्फ इज अ बिग विक्ट्री। तो ऑब्वियसली आपका काम रिकग्नाइज हुआ तभी आपको नॉमिनेट भी किया गया, तो हम सब हमारी तरफ से आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरा ख्याल में फिर इसमें तो कोई कहने की गुंजाइश नहीं है। ये कंपटीशन तो टीम अनिला जीत गई है, तो उस टीम अनिला ये के लिए चीयर्स, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, छोटी बहुत छोटी खुशियां अच्छी। हमको हमसे बेहतर जानती हैं। हाँ हमको हमसे बेहतर जानती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्या बात किया आपने। बस चलिए सनिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह फिर जी अगले हफ्ते फिर बात करते हैं। टेक केयर, जी अपना बिल्कुल ख्याल। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।